उधर जमशेदपुर में जिला प्रशासन की ओर से किन्नर समाज को भी वैक्सीन देने के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। आईडीटी भवन में ये आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत डीसी सूरज कुमार की ओर से की गई। इसमें बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने भी कोरोना का टीका लगवाया और इस सर्वे का जायजा लिया सहयोगी प्रभात ने। इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में थर्ड जेंडरों के लिए आज से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें उपायुक्त स्वयं पहुंचे हैं सूरज कुमार। लोगों की समस्या से अपनी अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। अब देखिए उपायुक्त से ये लोग बात कर रहे हैं। उपायुक्त से ये मांग कर रहे थे कि अगर हम लोग वैक्सीन लेने जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास इनका प्रतिनिधिमंडल मिला है और वहाँ पर बताया गया था हमारे जो पूरे के पूरे किन्नर समुदाय हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की जो सिस्टम है अर्बन इलाकों में, तो थोड़ी सी स्मार्टफोन की कमी और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण और उसकी जानकारी की कमी के कारण जो किन्नर समुदाय है वो वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे, या जीविका के जो कंटिन्यूस साधन की जो समस्या है वो, और जो प्रथाएं हैं बधाई की उन प्रथाओं में और जो समाज के बीच में एक रेगुलर बेसिस पे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहती हैं उसकी समस्या, या फिर अलग से एक लाइन की व्यवस्था है जो हॉस्पिटल्स में या फिर बाकी जगह पे होनी चाहिए उसकी समस्याएं हैं। मास्क का एक पैकेट देके कहीं ना कहीं इन लोग सम्मान दे रहे हैं उपायुक्त को अपने, सबको दुआ दिए हैं, खुद को वैक्सीन नहीं लिया। देखिए यही कहना चाहूँगी, देर भली थी लेकिन हुआ तो सही। तो आज हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे लोग को लाइन लगना नहीं पड़ा। ये भी एक बात हुई कि लाइन नहीं लगना पड़ा, आराम से वो आए और उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के आज वैक्सीन ले रहे हैं। तहे दिल से पूरा किन्नर समाज, पूरा जमशेदपुर के जितने किन्नर समाज है, तहे दिल से हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर।